खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। फिल्मी समाज का आईना होती अपनी कुत्सित मानसिकता के चलते फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के कुछ लोग हिंदू व सनातन धर्म के नैतिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण आदि पुरुष व पठान फिल्म का रिलीज हुआ ट्रेलर है। उसकी इस मानसिकता के चलते सनातन समाज से जुड़े लोगों का मन दुखी है। हालांकि विरोध के स्वर हर तरफ से उठ रहे हैं। बरेली में भी आज करणी सेना के पदाधिकारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। शहीद चौक दीनदयाल पूरम में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का पुतला फूका। करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि ये बॉलीवुडिया गैंग नहीं सुधरा तो करणी सेना पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगी। और बरेली में ये फिल्म या ऐसी कोई भी फिल्म लगेगी तो सिनेमा घरों में हम तालाबंदी करेंगे। शाहरुख खान तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हाली में एक मूवी आ रही है पठान, जिसको लेके करणी सेना सभी प्रदेशों में उग्र आंदोलन कर रही है। हम इस मूवी को किसी भी हाल में बरेली के अंदर नहीं चलने देंगे। साथ ही साथ जो भी इस मूवी को लगाएगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, तालाबंदी करेंगे, होर्डिंग बैनर जलाने पड़े उन्हें फाड़ के जलाएंगे। करणी सेना चेतावनी देती है, बहुत हुआ हमारे धर्म से खिलवाड़, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अभी तक हमारी संस्कृति पर मुस्लिम लोगों द्वारा जो टिप्पणी की जाती है और धर्म को टारगेट किया जाता है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम खुल के सड़क पे आ गए हैं, हम लोग ज्ञापन देना बंद कर दिया है, खुल के लड़ाई लड़ेंगे आर पार की। कौन अभिनेता कौन अभिनेत्री जिन लोगों ने ये इसमें विरोध है, इसमें इसमें दीपिका पादुकोण है, उनने इस गाने में रोल दिया है। साथ ही साथ उनने भगवा वस्त्र पहनकर हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं अपमानित किया है। तो इसमें जो सनातन धर्म में आक्रोश है और हम इस तरीके की बिल्कुल कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, नारे लगाओ नारे, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।